हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स। यह मार्च 2020 का सेकंड वीक है जिसमें मैं 75 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि फॉर्मर इंडियन ओपनर वसीम जाफर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। यानी कि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य से हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हु हैज वॉन द 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017 to 2019। यानी किसने 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वी प्रवीण राव। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट विल ओपन एन एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट मिशन शक्ति फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि SHG। कौन सा राज्य स्व सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति खोलेगा? इसका राइट आंसर बनता है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमन DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि कौन भारतीय तट रक्षक बल की पहली महिला DIG बन गई है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपका है कहता है, हु रिलीज्ड अ कॉमिक बुक टाइटल द एडवेंचर्स ऑफ डेयरडेविल्स डेमोक्रेट्स, यानी किसने द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल्स डेमोक्रेट्स नाम से एक कॉमिक बुक जारी किया है? इसका राइट आंसर बनता है नवीन पटनायक जी ने ये जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ RBI's डेप्यूटी गवर्नर हु हैज रिजाइंड रिसेंटली, यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर बनता है NS विश्वनाथन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। जनेस जानसा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि जनेस जानसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर बनता है स्लोवेनिया के। नेक्स्ट है, डेनिस सिमगल हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका राइट आंसर बनता है यूक्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा, यानी कि कौन प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? इसका राइट आंसर बनता है करीना कपूर। आगे, विच कंट्री विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट, यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर बनता है श्रीलंका। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट फॉर डेमोक्रेटिक सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, यानी किस राज्य को घरेलू सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के लिए सूची में पहले स्थान पर रखा गया है? इसका राइट आंसर बनता है गुजरात को। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 500 T20, यानी कि कौन 500 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने? इसका राइट आंसर बनता है किरोन पोलार्ड जी हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वेटरन एक्टर मैक्स वॉन साइडो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि दिग्गज अभिनेता मैक्स वॉन साइडो का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो इसका राइट आंसर बनता है ही इज फ्रॉम स्वीडन देश से वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द पार्टनरशिप ऑफ विच मेट्रो रेल लिमिटेड पेटीएम हैज लॉन्च्ड अ QR कोड बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम, यानी कि पेटीएम के साथ साझेदारी में किस मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है हैदराबाद। नेक्स्ट इज,
विच कंट्री हैज़ मेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, यानी किस देश ने सार्वजनिक परिवहन को ही मुफ्त कर दिया है। इसका राइट आंसर बनता है लक्समबर्ग। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वॉन द ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम बाय डिफीटिंग इंडियाज एट मेलबर्न, यानी किस देश ने मेलबर्न में भारत को हराकर रिकॉर्ड पांचवी बार ICCI महिला T20 विश्व कप जीता है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटीज यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू इनॉग्रेटेड सेकंड लेग ऑफ खेलो इंडिया विंटर, यानी कि केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर बनता है गुलमार्ग में। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज वॉन द हीरो आई लीग चैंपियनशिप 2019-20 बाय डिफीटिंग आइजवाल FC एट कल्याणी वेस्ट बंगाल, यानी किसने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में आइजवाल FC को हराकर हीरो आई लीग चैंपियंस 2019-20 की जीता है। इसका राइट आंसर बनता है मोहन बागान। अगला है, UN इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट ड्रॉप ऑफ अप टू हाउ मच परसेंट इन FDI वर्ल्ड वाइड ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्रियों ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में FDI में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर बनता है 15% तक। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इज, इन 2018-19 द FDI इनफ्लो स्टूड एट अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच $ हाइएस्ट एवर रिकॉर्डेड फॉर अ फिजिकल ईयर। राइट आंसर बनता है इसका 62 बिलियंस, यानी कि क्वेश्चन कह रहा था 2018-19 में FDI प्रवाह कितना अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड पर रहा, जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए सबसे अधिक का रिकॉर्ड है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 62 बिलियन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विच स्टेट हैज विन रैंक्ड फर्स्ट इन कंट्री फॉर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान, यानी किस राज्य को पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम स्थान दिया गया है। इसका राइट आंसर बनता है आंध्र प्रदेश को। आगे देखते हैं, हु हैज लॉन्च द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम्स इन द IIM बेंगलुरु, यानी किसने IIM बेंगलुरु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों महेंद्रनाथ पांडे। इन विच सिटीज कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनोग्रेटेड एन एग्जीबिशन टाइटल जलियावाला बाग, यानी किस शहर में संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जलियावाला बाग शीर्षक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर बनता है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज, ऑन विच डे जन औषधि दिवस वॉज सेलिब्रेटेड, यानी कि जन औषधि दिवस किस दिन मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 7 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपाल सिंह हैज क्वालिफाइड फॉर हिज मैडन ओलंपिक्स गेम्स इन टोक्यो, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि शिवपाल सिंह ने टोक्यो में अपने पहले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वह किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर बनता है जैवलिन थ्रो से, ही बिलोंग्स टू जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द टेम्पररी हेड ऑफ VSF, यानी कि VSF का अस्थायी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों SS देसवाल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय UNDP, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड इन होल्डिंग वाइस अगेंस्ट वीमेंस, यानी कि हाल ही में UNDP द्वारा जारी किए गए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार कौन सा देश महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर बनता है पाकिस्तान, महिलाओं के साथ बहुजाती करता है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विमेन्स गवर्नमेंट्स हैज रिकन्स्टिट्यूटेड द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी किसकी अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का पुनर्गठन किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों अमित शाह के द्वारा।
नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. हु वॉज वेस्टोड एज द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, यानी किसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया. इसका राइट आंसर बनता है पीवी सिंधु, यानी कि महिला की बात जब भी पूछेगा तो पीवी सिंधु होगा इसका आंसर. नेक्स्ट है मेन की बात करते हैं. हु हैज वॉज वेस्टोड द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स अवार्ड किनको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बनता है पीटी उषा को, पीटी उषा को. नेक्स्ट इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल ऑनर्स अनिका सोरेंथम एंड गैरी प्लेयर विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम्स, दे आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनिका सोरेंथम और गैरी प्लेयर को प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित करेंगे, वे किस खेल से संबंधित है दोस्तों. तो राइट आंसर इसका बनता है गोल्फ से, वो गोल्फ से संबंधित है. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखते हैं. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA, यानी किसको ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया. तो राइट आंसर बनता है KM मेमेन को चुना गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉ मिनिस्टर फॉर्मर कर्नाटका गवर्नमेंट गवर्नर एंड वेटरन कांग्रेस लीडर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहे कानून मंत्री कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेस नेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया. राइट आंसर बनता है HR भारद्वाज जी थे, वो कौन थे HR भारद्वाज. नेक्स्ट के अन वागजान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द, यानी कि अंबाज झगन का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे, तो वो एक के राजनेता थे दोस्तों, पॉलिटिशियन थे, ही वॉज अ पॉलिटिशियन. नेक्स्ट इज अनंत दीक्षित हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द, यानी कि अनंत दीक्षित का हाल ही में निधन हो गया ना, वो क्या थे, तो वो एक जर्नलिस्ट थे, यानी कि पत्रकार थे, जर्नलिस्ट अनंत दीक्षित. नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनजीओ डे, यानी किस दिन विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका राइट आंसर बनता है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को मनाया जाता है. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थिंकिंग डे, यानी किस दिन विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका राइट आंसर बनता है 22 फरवरी को, यानी कि 22 फरवरी. अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कहता है इन विच सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना 2020 वॉज हेल्ड, यानी कि किस शहर में केले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया था. इसका राइट आंसर बनता है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जगह है तिरुचिरापल्ली. नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियलमी, यानी कि किसे रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर बनता है सलमान खान को, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है. नेक्स्ट है NPCI हैज लॉन्च्ड UPI चलेगा, यानी कैंपेन टू प्रमोट UPI एज इजी सेफ एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट्स इन विच ईयर NPCI वॉज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि NPCI ने UPI को आसान सुरक्षित और त्वरित भुगतान के रूप में बढ़ावा देने के लिए UPI चलेगा अभियान शुरू किया है. NPCI को किस वर्ष में स्थापित किया गया था. इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 2008 में इसका स्थापना हुआ था NPCI का. नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है वो है हु हैज बीन अवॉर्डेड द मैकगिल मेडल फॉर जर्नलिस्ट करेज फॉर द ईयर 2020, यानी कि वर्ष 2020 के लिए पत्रकारिता के लिए मैक्सिकल पदक से किसे सम्मानित किया गया. इसका राइट आंसर बनता है राणा अयूब जी को सम्मानित किया गया. नेक्स्ट प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, यानी कि विश्व स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों. तो इसका राइट आंसर बनता है केल्विन दुस्की कुछ ऐसे नाम है. उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है. इसका राइट आंसर बताया गाजियाबाद, गाजियाबाद. नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज रिसेंटली लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट
व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट, यानी कि कह रहा है भारतीय रेलवे ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, चैटबॉक्स का नाम क्या है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों, इसका नाम है आस्क दिशा नाम है इसका चैटबॉक्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर ऑफ मेडागास्कर, यानी कौन सा देश मेडागास्कर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में अतिथि होगा। इसका राइट आंसर बनता है हमारा प्यारा इंडिया। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स विल बी इंक्लूडेड इन टू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो वो है आपका यूएसए से, टाइगर वुड्स कहाँ से है, यूएसए से, और हमारा टाइगर श्रॉफ जो है वो हमारे इंडिया से। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ वेव्ड ऑफ द मिनिमम बैलेंस चार्ज ऑन ऑल सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, यानी किस बैंक ने सभी बचत खातों पर न्यूनतम शेष शुल्क माफ कर दिया, एक अच्छी पहल है, एक माफ कर दिया। इसका राइट आंसर बनता है SBI ने किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका निकल करके आता है वो है द ट्रेडिशनल फगली फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी किस राज्य में पारंपरिक फगली त्यौहार मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ये सभी MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इसको रिवाइज करते रहें डेली तो आपको सभी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 49 नंबर से, गूगल इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल प्रोग्राम्स फॉर वीमेन्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि गूगल इंडिया ने महिलाओं के लिए एक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, कार्यक्रम का नाम क्या है। तो राइट आंसर इसका बनता है डिजी पाइवॉट, इस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों डिजी पाइवॉट। नेक्स्ट प्रश्न बनता है विथ विच बैंक फोन पे हैज़ इंक्ड पार्टनरशिप फॉर UPI ट्रांसैक्शन, यानी किस बैंक के साथ फोन पे ने UPI लेन देन के साझेदारी किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है ICCI बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निघा ऐप टू इंश्योर क्लीन एंड हेल्दी इलेक्शंस, यानी किस राज्य सरकार ने स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया है, यानी कि निगाह ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मेन नेशनल इवेंट फॉर द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY विल बी हेल्ड ऑन 21 जून 2020 इन विच सिटीज, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह 21 जून 2020 को किस शहर में होगा। तो इसका राइट आंसर बनता है लेह में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है एशियाज लार्जेस्ट एग्जीबिशंस ऑन सिविल एविएशन विंग्स इंडिया 2020 वॉज हेल्ड इन विच सिटीज, यानी कि किस शहर में सिविल एविएशन पर एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2020 आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर बनता है हैदराबाद में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2020, जो विंग्स इंडिया 2020 था उसका विषय क्या रहा, थीम क्या रहा। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों फ्लाइंग फॉर ऑल, इसका क्या थीम था, फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड किडनी डे वॉज ऑब्जर्व, यानी किस दिन विश्व किडनी दिवस को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष कौशिक हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि मनीष कौशिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो वो है बॉक्सिंग से संबंधित, मनीष कौशिक रिलेटेड टू बॉक्सिंग। नेक्स्ट इज पंकज अडवाणी हैज वॉन द नेशनल 6th रेड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र स्प्रीत सिंह इन अहमदाबाद, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि पंकज अडवाणी ने अहमदाबाद में महाराष्ट्र के इस प्रीत सिंह को हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, वह किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर बन सॉरी ये किस खेल नहीं है, किस स्टेट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैप्पी आवर फॉर ऑटो रिक्शा, यानी कि किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर बनता है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट इज
हु हैज शॉर्टलिस्टेड 358 हाई स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ सेकेंड एनुअल कैच देम यंग प्रोग्राम्स यूवी का, यानी किसने देश भर के हाई स्कूल के 368 छात्रों को दूसरे वार्षिक कैच देम यंग कार्यक्रम युविका का हिस्सा बनने के लिए चुना है। तो इसका राइट आंसर बनता है इसरो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संतु मुख्योपाध्याय हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द, यानी कि संतु मुख्योपाध्याय का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक बंगाली एक्टर थे दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो है, विच बैंक हैज एग्रीड टू बाय शेयर वर्थ ₹7,250 करोड़ ऑफ द यस बैंक, यानी किस बैंक ने यस बैंक के 7,250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने पर सहमति जताई है। इसका राइट आंसर बनता है SBI ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज बीन नेम्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इन 115 यंग ग्लोबल लीडर्स, यानी कि 115 यंग ग्लोबल लीडर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसको नामित किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है, चार हैं व्यक्ति, जैसे कि वाइजू रविंद्रन, गौरव गुप्ता, तारा सिंह वचानी और विनाती मुटरेजा। तो ये चारों हैं जो इसके बने हैं मेंबर्स। नेक्स्ट इज, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड 9th अकॉर्डिंग टू KPMG's 2020 ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इनोवेशन सर्वे, यानी KPMG के 2020 ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इनोवेशन सर्वे के अनुसार कौन सा शहर 9वें स्थान पर रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बनता है बैंगलोर 9वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जॉय बंगला विल बी द नेशनल स्लोगन ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि जॉय बंगला किस देश का राष्ट्रीय नारा होगा? तो राइट आंसर बनता है बंगला, यानी कि बांग्लादेश का होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो क्या है, विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 1920 बीटिंग बांग्ला एट राजकोट, यानी किसने राजकोट में बंगाल को हरा कर रणजी ट्रॉफी 2019-20 जीत लिया है? तो राइट आंसर बनता है सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल शतरंग युवा हब एंड अप्रेंटिसशिप स्कीम आर रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कौशल शतरंग युवा हब और शिक्षुता योजना किस राज्य ने से संबंधित है? इसका राइट आंसर बनता है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स फ्रॉम January 1, 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन के लिए महंगाई भत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है 21%। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एज पाई डे, यानी कि किस दिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 14 मार्च को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, यानी किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 15 मार्च को, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय इस बार क्या रहा? तो इसका राइट आंसर है द सस्टेनेबल कंज्यूमर रहा। इसका क्या था? सस्टेनेबल कंज्यूमर थीम था। नेक्स्ट है, दाना जातकोवा 1952 ओलंपिक जैवलिन चैंपियंस हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि दाना जातकोवा 1952 ओलंपिक भाला चैंपियन हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है चेक रिपब्लिक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम्स फॉर यस बैंक अंडर विच बैंक विल अक्वायर 49% स्टेक इन द यस बैंक, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यस बैंक के पुनर्निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। कौन सा बैंक यस बैंक में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर बनता है SBI। नेक्स्ट है, जो
प्रश्न आता है वो है हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, यानी कि कौन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो उनका नाम है दोस्तों अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ US$80 million लोन एग्रीमेंट्स टू इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन विच स्टेट, यानी कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने विश्व किस राज्य में जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए $80 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट इज फेसबुक इंडिया हैज लॉन्च इट्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव टू प्रमोट विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव्स, यानी कि फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पहल लॉन्च किया है। दोस्तों पहल का नाम क्या है, तो इस पहल का नाम है फेसबुक प्रगति, फेसबुक प्रगति। अगला प्रश्न जो बनता है वो है Who has successfully scaled Mount Kosciuszko, the highest mountain peak in Australia? यानी किसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट कोसियस्को जो कि 2,228 मीटर ऊंचा है को सफलतापूर्वक फतह कर लिया, उस व्यक्ति का भाई नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है भावना देवरिया, भावना देवरिया। शायद लास्ट क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST हैज सैंक्शनड ₹7.25 करोड़ टू विच IIT टू एस्टैब्लिश अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थगित करने के लिए किस ITI को ₹7.25 करोड़ की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों IIT मंडी। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए आने वाले एग्जामिनेशंस में इम्पॉर्टेंट रहेंगे, यूजफुल रहेंगे, मे भी हो सकते हैं ये सब हूबहू आ जाए। ठीक है, तो आगे आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर्स, टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम, पिनस्ट्रेट आदि से, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हमारा एक वेबसाइट्स भी है दोस्तों, जैसे कि www.jeetacademy247.blogspot.com पे, तो यहाँ भी आपको स्टडी मटेरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका PDFs टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग जुड़ेंगे तो। ठीक है, आगे बात करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुमूल समय देने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, यदि आपका सुझाव हो तो कोई कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। थैंक यू वेरी मच।